Next, at 1127 Kelvin and 1 atmosphere pressure, a gaseous mixture of CO2 and CO in equilibrium with solid carbon has 090.55% carbon dioxide by mass. Calculate Kc for the reaction at the above temperature. तो यहाँ पे जो है हमारा गैसेस मिक्सचर का जो यहाँ पे बोला गया था कि एट 180 प्रेशर गैसेस मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज इन इक्विलिब्रियम विथ सॉलिड कार्बन। तो हमने देखिए इस पे हमने इक्वेशन जो है वो हमने खुद ही लिख लिया कि इसको गैसेस इक्विलिब्रियम कैसे होता है इसका। तो कार्बन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और फिर इक्विलिब्रियम है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। तो हमें के से निकालनी है। तो पहले तो हम इसका केपी निकाल लेते हैं कि टोटल पहले यह दिया था लेट हम पकड़ लेते हैं कि टोटल मास जो है वो उस गैसेस मिक्सचर का हम 100 पकड़ लेंगे। फिर जो यहाँ पे दिया हुआ है कि क्वेश्चन में 90.55% बाय मास कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो इस वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड की मास हम पकड़ लेते हैं 90.55 ग्राम और जो रिमेनिंग है उसे हम पकड़ लेंगे जट इज़ 9.45 ग्राम टू बी द रिमेनिंग पार्ट टू बी ऑफ हम पकड़ लेते हैं उसे कार्बन डाइऑक्साइड। फिर नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट कर देंगे कार्बन मोनोऑक्साइड को भी कार्बन डाइऑक्साइड को भी, उन दोनों को नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट कर देंगे। और फिर हम निकाल लेते हैं कि पार्शियल प्रेशर क्या होगा, उसके लिए मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना होगा। तो कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए पहले ऊपर 3.234 और नीचे उन दोनों को 3.234 प्लस 0.215 इंटू 1 atm, क्योंकि यहाँ पे 1 atm ही प्रेशर था क्वेश्चन में दिया हुआ है। वैसे आप इसे पार्शियल प्रेशर कार्बन मोनोऑक्साइड निकाल लेंगे और फिर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी वैसे निकाल लेंगे। तो दोनों आप देख सकते हैं यहाँ पे पार्शियल प्रेशर्स निकल गए हैं। फिर जो इक्विलिब्रियम प्रेशर होगा इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड का होगा 0.062 और कार्बन मोनोऑक्साइड का होगा 0.938। उसमें कार्बन जो है वो सॉलिड है, इसलिए केपी की कैलकुलेशन में आपका जो कार्बन सॉलिड उसका कोई भी इस्तेमाल नहीं होगा। इस वजह से हम क्या करेंगे, सिर्फ रिएक्टेंट और इस प्रोडक्ट कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड से केपी निकाल लेंगे। ऊपर कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रेशर होगी पार्शियल प्रेशर 2d² होगा क्योंकि स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 थी, नीचे तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड होगा और उससे केपी निकल जाएगी 14.19 atm। फिर स्टेप टू जो है हम उसके लिए केसी की कैलकुलेशन करेंगे। केसी की कैलकुलेशन के लिए हमें पता है केसी इज इक्वल टू केपी बाय आरटी इनटू सॉरी केसी इज इक्वल टू केपी बाय आरटी टू द पावर डेल्टा एनजी। उसके लिए केपी की वैल्यू हम ऑलरेडी जानते हैं 14.19 atm। और फिर जो आर की वैल्यू है उसमें एटीएम की वैल्यू लेंगे आर की 0.0821 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल। और फिर जो टेम्परेचर ऑलरेडी दिया हुआ था क्वेश्चन पे 1127 केल्विन। और फिर डेल्टा एनजी जो है उसे हम निकाल लेंगे। तो जो रिएक्ट जो प्रोडक्ट था उसका कोफिशन था 2 और जो रिएक्टेंट था उसका 1, 2 - 1 1। तो इसके बाद वैल्यू पुट करने के बाद के सी की वैल्यू हमें मिलती है 6.466 पॉइंट। तो जो के पी की के सी की वैल्यू निकलती है वो है 0.153। तो आप इस तरह से पहले के पी और फिर के पी और के पी के पी और के सी के बीच के रिलेशन से के सी आप निकाल सकते हैं। इस तरह आपका के सी आपको मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट